Hi guys, welcome to my YouTube channel The Girl Next Door and welcome to another vlog. So for the past few days मैंने बिल्कुल भी I was like very very inactive, मैंने कुछ भी upload नहीं किया और ये वाला vlog भी जो कि सर से vlog है मैंने काफ़ी ज़्यादा delay किया, push किया because I was not feeling like it. I was not feeling कि मैं upload करूँ because I was not in the right state of mind. I still am not in the right state of mind because of what all is happening in the world right now. बच्चे मर रहे हैं, there are women dying, children dying, और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक गम और टेंशन और दर्द का माहौल है जिसने मुझे तो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है. एवरी मतलब मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक द ओनली थिंग दैट इज इन माई माइंड इज कि कैसे हम अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं व्हेन यू नो ह्यूमैनिटी इज एट स्टेक. इतना बड़ा क्राइसिस है, जेनोसाइड इज हैपनिंग, हाउ कैन वी रेस्ट एंड एंजॉय आवर लाइफ. सो आई वाज नॉट एट पीस एट ऑल, अभी भी नहीं हूँ, बट देन आई थॉट कि कब तक आई कैन कीप ऑन डिलेइंग ऑल ऑफ दिस. सो द सोल रीजन दैट आई वाज नॉट अपलोडिंग एनीथिंग वाज दिस, आई वाज नॉट व्लॉगिंग. द लास्ट व्लॉग दैट आई व्लॉग्ड वाज सर से डे का बिकॉज एवरी ईयर आई डू इट एंड यू गाइज लव इट सो मच. तो मैंने कहा फाइनली अब बहुत दिनों के बाद मैंने अपने आप को कन्विंस किया दैट आई हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड आई कैनॉट स्टॉप लाइक दैट. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड या आई एम पुटिंग अप द व्लॉग नाउ. पूरा व्लॉग आप देखोगे अब. सो आई होप यू एन्जॉय. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद द व्लॉग. हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द गर्ल नेक्स्ट डोर एंड वेलकम टू the very very popular vlog on my channel which is Sarsiya vlog. So aaj hai Sarsiya day, wishing you all alleges a very very happy Sarsiya day. So aaj Sarsiya day, for those who don't know who is Sarsiya Ahmed Khan, he was the founder of Aligarh Muslim University and hum har saal 17th October ko ye din bahut hi dhoom dham se manate hain and this is like Eid for all of us अलीग्स. सो जो भी अलीगढ़ में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल ईद है. इसीलिए मैं ऐसे ऐसे रेडी हूँ बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द एनुअल हॉल डिनर, लाइक द ससिया डिनर जो कि हम लोगों के रिस्पेक्टिव हॉल्स में होता है. बाय द वे, ये मैंने क्यों कहा कि बहुत ही लव्ड व्लॉग है और माई चैनल, दैट इज बिकॉज जो मेरा लास्ट ईयर का ससिया डे वाला वीडियो था उस पर बहुत सारे व्यूज आए थे. लाइक इट इज गोइंग टू टच आई थिंक 1 लाख व्यूज नाउ. तो मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगी यहाँ कहीं इन द ऊपर कहीं आए बटन में. तो आई डोंट नो इस साल भी क्या अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, बट मेरा मोटिव बहुत ज्यादा व्यूज गेन करने का नहीं है. मेरा मोटिव है टू व्लॉग दैट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माय लाइफ. तो मैं एकदम तैयार शेयर हो गई हूँ और मैं आई फील लाइक आई एम अ लिटिल ओवर ड्रेस्ड. आई डोंट नो व्हाई, बट ये मेरी पहली यू नो ससिया डे है आफ्टर माई मैरिज, मतलब शादी बाद पहला ससिया डे है. तो आई वॉज लाइक अ लिटिल एक्स्ट्रा और दिस इज माई मेकअप वेरी न्यूड एंड न्यूट्रल और मैंने चूड़ी भी पहनी है. लुक, आई एम वेरिंग चूड़ी. Oh, my friends are calling actually. Wait. So yeah, I'm like all ready and dressed up to go. अभी बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ बैंक बेगम अजीज़ुन्निसा बिकॉज वो हम लोगों का हॉल है. और आई एम वेयरिंग दिस लाइक न्यूड कलर का आउटफिट जो कि मैं आपको दिखाऊंगी लेटर इन द व्लॉग. एंड बाय द वे, आई एम लविंग माई मेकअप टूडे, वेरी न्यूड, वेरी न्यूट्रल. इफ यू आर कमिंग टू माई चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वुड से कि आप प्लीज़ मेरे और वीडियोज को चेकआउट करो. आई मेक व्लॉग्स एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट एंड गेट टू नो मी इट लिटल बिट. आई वर्क हार्ड ऑन माई वीडियोज एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. सो आई एम श्योर यू गोना लव इट हियर. सो येस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट with a very very famous Sir Sayyed vlog. So we have entered the hall, Begum Azizunnisa hall. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डेकोरेशन है और कितनी ज़्यादा भीड़ है लड़कियों की. सो बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल जो है ना, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रिसेंट एंड द न्यूएस्ट हॉल है जो ओपन किया गया है फॉर मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, बिकॉज ये मेडिकल के बिल्कुल पास है, मतलब मेडिकल कॉलोनी में ही है. तो इट इज़ वेरी बिग और इसलिए इतनी ज़्यादा लड़कियाँ आपको देखने को मिल रही हैं बिकॉज बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे लड़कियाँ का अलॉटमेंट किया जाता है. एंड यू कैन सी यहाँ पे अंदर वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं ग्रीन के साथ. ये वाला जो वाइट लाइट्स का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है यहाँ पे हर साल का.
काफ़ी ज़्यादा दूसरे हॉल से काफ़ी बेटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग सारे ये लाइट्स और ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, एंड हमने यहाँ पे ना कुछ सेक्शन में फ़ोटोग्राफी भी कराई, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ भी ली। जो हमारी हॉस्टल फ्रेंड है उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, तो वो हमें वहाँ लेके गए अभी, एंड वहाँ बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई हैं हमने। और ये हूँ मैं, और मेरे साथ है मेरी एक फ्रेंड, और ये आप स्टेज देख लीजिए कितना अच्छे से डेकोरेटेड है। एक्चुअली यहाँ पे ना इन्होंने जो सेंटेनरी गेट है ना उसको पूरा रेप्लिकेट किया है यहाँ पे, दे हैव मेड इट कमेंडेबल एफर्ट्स। जिसने भी स्टेज डिज़ाइनिंग करी है काफ़ी मेहनत लगी होगी टू बिल्ड अप द एंटायर स्टेज, एंड दिस इज़ माई एंटायर लुक। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लव द म्यूटेड न्यूड टोन्स जो मेरे सूट का था, ये मेरी शादी में से एक जोड़ा था जो कि मुझे यहाँ पर पहनने का मौका मिला, एंड आई रियली रियली लाइक इट। एंड अब है तराना टाइम जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। Oh,
फिर था डिनर टाइम। डिनर में हमने खाया चिकन कोरमा, स्टार्टर्स के लिए कबाब थे, मीठे में शाही टुकड़ा था एंड बिरयानी थी। बट ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू, इस बार के खाने ने जो गदर मचाया है ना, कितनी सारी लड़कियों को फूड पॉइजनिंग हुई है, इंक्लूडिंग मी, हम सबको फूड पॉइजनिंग हुई एंड मोस्ट ऑफ देम लैंडेड इन मेडिकल इमरजेंसी। चेकिंग इन आफ्टर सो मेनी डेज एंड दिस इज एडिटिंग मी इन हियर। मैं बताना चाहती हूँ द फूड मास फूड पॉइजनिंग सिचुएशन पे आई वॉन्टेड टू थ्रो लाइट। लाइक काफी आई एम श्योर अगर आप अलीगढ़ से हैं तो आपको पता होगा व्हाट ऑल हैपेंड। वो खाना खाने के बाद बहुत सारी लड़कियां, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, दे गॉट फूड पॉइजनिंग, जिसमें से एक मैं भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में कुछ भी सीरियस नहीं था। आई जस्ट डिड वॉमिटिंग्स रात को, ऐसे 2-2.5 बजे मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई। वॉमिट करने के बाद, लाइक 6-7 वॉमिटिंग्स के बाद मैं सो गई। मुझे लगा शायद मुझे ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे शायद मैं एकदम आके मैं वॉक नहीं किया या मैंने ज्यादा मैं बैठ गई इसीलिए शायद मेरे साथ हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट सबकी ही तबीयत खराब है। मेरी दो फ्रेंड्स तो दे हैड टू गो टू द मेडिकल इमरजेंसी में, वो लोग ग्लूकोज चढ़ा के फिर वापस आ गए थे, ORS वगैरह लिया था। बाकी की भी सिचुएशन कुछ बहुत ज्यादा, मतलब थैंकफुली इतनी सीरियस नहीं थी। ज्यादातर लड़कियां हॉस्पिटल जा रही थी एंड उनका ट्रीटमेंट देके उनको जल्दी जल्दी हैंड टू हैंड वापस भेजा जा रहा था। प्रॉबेबली देर वॉज समथिंग इन द कबाब्स, नॉट श्योर, बट या दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ द मास फूड पॉइजनिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सो जो आप व्लॉग अभी देखेंगे मेरे घर आने के बाद, मतलब जो मैंने शूट किया था, उसमें आई वॉज एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ एसिड रिफ्लेक्स। ऐसा लग रहा था मुझे ऐसे डकारें आ रही हैं, ऐसा लग रहा था सारा खाना ऊपर आ रहा है। इट इज़ एक्चुअली वेरी एविडेंट इन द वीडियो इट सेल्फ कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज फीलिंग क्वाइट अनईजी। तो वो क्लिप अब आप आगे देखेंगे। कंटिन्यू कर रहे द ब्लॉग। आई जस्ट केम बैक होम, काफ़ी लेट हो गया है, मतलब आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 12 नाउ। बट मैं अपने घर नहीं आई हूँ, मम्मी के घर आई हूँ। दैट्स बिकॉज माई हस्बैंड वॉज एक्सट्रीमली बिजी विद हिज SS हॉल फंक्शन। ही इज वो एक्चुअली सीनियर हॉल है MM हॉल के, तो ही हैड टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन तुम मम्मी घर रुक जाओ, तो आई एम स्टेइंग हेयर। मतलब कल रुकी थी, अब आज रुक रहे हैं, कल लेडी बैक टू आर होम्स। मतलब मैं रेडी तो वहीं पर हुई थी, बट रात में यहाँ पर हम लोग स्टे करें। एंड आई रियली लाइक द वे माई मेकअप लुक्स, बहुत ही अच्छा प्रिटी न्यूड्स है। सो या दिस इट वॉज अ रैप फॉर टुडे। काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स होती है। सबसे अच्छा लगता है कि आपको बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिलते हैं जैसे आप यूजुअली नहीं मिल पाते। मुझे इतने सारी लड़कियाँ मिली मेरे यू नो कॉलेज टाइम की, लाइक BA टाइम की, जहाँ हम लोग एक साथ क्लासेस करते थे बहुत सारे, और इतने सारे लोगों से कैचअप हुआ। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले अपने, दे लाइक जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, बट वो मुझे ऑब्वियसली जानते बिकॉज दे वॉच मी ऑन यूट्यूब। एंड वन ऑफ देम वॉज लाइक आपका यूट्यूब चैनल है, मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट। एंड मतलब मैं सोच कितनी खुश हो रही थी, ओ माई गॉड पीपल रिकग्नाइज मी। ऐसा पहले भी हुआ दैट आई हैव मेट क्वाइट अ फ्यू सब्सक्राइबर्स, और हमेशा जब भी ऐसा होता है आई एम क्लूलेस, क्या बात करूँ क्या करूँ, बट इट ऑलवेज मेक्स मी सो हैप्पी टू मीट माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब एंड दोज हु लाइक माई वीडियोज़। एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई मेक अ लॉट ऑफ अमेजिंग कॉन्टेंट, अमेजिंग ब्लॉग्स, वीडियोज़, ट्रैवल कॉन्टेंट एंड कुकिंग वीडियोज़, लाइफ स्टाइल वीडियोज़, ब्लॉग्स इन जनरल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो, हिट दैट बेल आइकन, एक घंटी होगी से दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। मतलब घंटी दबा के ना ऑल नोटिफिकेशन पर हिट कर दूँ, तो वो कर दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों शायद कभी पहले, या अब पढ़ रहे हों, प्लीज़ डू शेयर इट विद देम। और अगर आपको किसी को बेगम अजीज उन्नीसा दिखाना हो, AMU दिखाना हो, ससे अड्डे दिखाना हो कि कैसे सेलिब्रेट होता है इन जनरल, तो प्लीज़ 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 शेयर इट विद देम, लाइक दिस वीडियो। और मैं चलती हूँ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।